दिन ब दिन अवैध निर्मित का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। भूमाफिया अवैध तरीके की जमीन हड़प कर उस पर अवैध तरीके से निर्मित करके उसमें अच्छा पैसा बना रहे हैं। होटल, लॉज तथा लेआउट जैसे बहुत से उदाहरण हैं। परंतु ऐसी ये कार्रवाई वाड़ी हिंगना आउटर रिंग रोड पर होने वाले प्रसिद्ध एलपी के लव पैशन कर्मा नौ रिजॉर्ट पर हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह एलपी के नौ रिसॉर्ट मुस्तफा नामक के मालिक का है। अवैध तरीके से एलपी के रिसॉर्ट की निर्मित की गई थी, लेकिन रिसॉर्ट को किसी दूसरे की तरफ चलाने दिया था। आज एमआरटीपी द्वारा रिसॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर संपूर्ण रिसॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया। यह रिसॉर्ट तकरीबन ढाई एकड़ में बना हुआ और पूरे ढाई एकड़ में अवैध निर्मित की गई। यहाँ बड़े पैमाने में अवैध काम भी चलते थे। युवकों के लिए मनोरंजन जैसा हुक्का, दारू और मध्य रात्रि तक यह रिसॉर्ट उपलब्ध होता था। ऐसे कई मामले नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। आने वाले 31 दिसंबर को भी यहां बड़ी पार्टी होने वाली थी, परंतु अवैध निर्मित के कारण अब रिसॉर्ट नहीं रहा। अवैध निर्मित होने का नोटिस भी रिसॉर्ट मालिक को 24 घंटे पहले दिया गया था। रिसॉर्ट में रेस्टोरेंट, गेस्ट होम तथा रूम्स को तोड़कर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस संदर्भ में एमआरटीपी सहायक अभियंता मेट्रो रीजन भूपेश मेश्राम ने बताया कि यह रिसॉर्ट की निर्मित वेना रिवर के बफर जोन में रिसॉर्ट के अवैध तरीके की निर्मित की गई है तथा यह जगह ओपन स्पेस है। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त गजानन राजमा ने इन्होंने भू माफिया और अवैध निर्मित करने वालों को अब नहीं बख्शा जाएगा और क्षेत्र के सभी अवैध निर्मित पर बुलडोजर चलाया जाएगा, ऐसी सूचना भू माफियों को कर जानकारी दी। यह कार्रवाई एकाधिकारी एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियां अधिनियम 1967 के सेक्शन 53 अंतर्गत की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस उपायुक्त क्राइम गजानन राजमा ने एमआरटीपी अधिकारी भूपेश मिश्रा, क्राइम एपीआई गणेश पवार, खंड उपराध विभाग के ईश्वर जगदाले, एमआरटीपी क्षेत्र इंचार्ज मनोहर पाटिल के साथ अन्य बंदोबस्त पुलिसकर्मी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई करते वक्त बहुत से राजनीतिक नेताओं का प्रेशर अधिकारियों पर बना हुआ था। राजनीतिक नेताओं के हिसाब से अवैध तरीके की निर्मित करना योग्य है क्या? क्या अवैध निर्मित में इनका भी सहभाग है? ऐसा प्रश्न खड़ा हो रहा है। एलपी के 9 म्हणून बार रेस्टॉरंट इथं आहे हिंगना पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये। इथं बऱ्याच इलिगल ऍक्टिव्हिटी चालायच्या, पोलीस डिपार्टमेंटकडून बऱ्याच रेड्स इथं झालेल्या आहेत। एनएमआरडी च्या एकंदरीत रेकॉर्डवर इथं जे कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नव्हती, इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलेलं होतं। एनएमआरडीनं हे बांधकाम आहे पूर्ण पाडत आहेत। इथं ज्या इलिगल ॲक्टिव्हिटी होत्या त्यामुळं बंद होणार आहे। अशा प्रकारच्या इतरही कुठं ठिकाणी असतील तर 100% NMRD आणि पोलिसांच्या सहकार्यानं अशा ॲक्टिव्हिटी आपण त्याच्यावर कडक ते कडक कारवाई करू। पाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट, NBC न्यूज, नागपूर।